पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने चक्रधरपुर पहुंचकर दिवंगत कमल देव गिरी के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों से घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कमल देव की हत्या प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है। कमल देव ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन उसे नहीं मिली और न ही सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस दिया गया। विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं, बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी चक्रधरपुर पहुंचे हैं, जहां कमल देव गिरी के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। एजेंसी को जांच के लिए अधिकृत कर देना चाहिए, बल्कि परिवारों से पूछ लेनी चाहिए कि भाई आप पुलिस से संतुष्ट हैं, नहीं संतुष्ट हो फिर ऊपर भेज देना चाहिए जांच के। और यहाँ तो साफ दिख रहा है, और इसलिए हम राज्य के मुख्यमंत्री से कहेंगे कि भाई पहले तो सीधा सीधा इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप देनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ताकि अपराधी कोई भी हो तो उसको पकड़ लेंगे। और इसमें सरकार को हेमंत सोरेन जी को कभी से नहीं करनी चाहिए, और हम भी यहाँ से जाएंगे तो निश्चित रूप से पूरी दस्तावेज के साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।